हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है। मैं आज, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूनिट सेकेंड से विद्युत धारा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आज हम आपको हल कराने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे जुड़े होंगे और जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आइए, जो बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाया है, जिनको डाउट बना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा होता है पेपर में, तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास में आपके सारे मल्टीपल क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर अगले वाले क्लास में 4 नंबर और जो 7 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो सब आपको करा दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, और अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, चलिए आपके समय को नुकसान ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आइए, सबसे पहला सवाल आप देखिए, हमने बताया है कि यूनिट सेकेंड यानी दूसरे यूनिट से हमने आज के क्वेश्चन को उठाया है, और सबसे पहला सवाल है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रा क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, वहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जानने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, वो भी माइनस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो −1.6×10⁻¹⁹ कूलम होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ अगर प्रोटॉन पे बात पूछ लेता है तो प्रोटॉन पे आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है, ये प्लस होता है, वो क्या होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। अगर न्यूट्रॉन पूछा तो प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस नंबर से आपके 3 नंबर के भी बहुविकल्पी और तैयार हो गए। प्यारे बच्चों, ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला सवाल पूछा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कोई चालक तार ले लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या करा, आपको उसको समझना कैसे है, आपने कोई वायर ले लिया, ये कोई तार हो गए, इस तार में जो करंट फ्लो होती है, वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण धारा बहता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने जानते होंगे कि आप इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चलेगा तो धारा इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी, धारा की दिशा इधर से इधर की तरफ होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे हैं तो धारा की दिशा इधर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं, वो चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक मिनट जरा सा आप, ठीक प्यारे बच्चों, सॉरी, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो है अपनी कक्षा से मुक्त रहते हैं, यानी इनके ऊपर नाभिक द्वारा कोई बल नहीं लगता रहता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। तो प्यारे बच्चों, किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला आते हैं, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। आप इमेजिन करो, विद्युत धारा का मात्रक क्या क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। आप अच्छे तरीके से जान रहे हो, विद्युत का नहीं हो सकता, विद्युत ऊर्जा का नहीं हो सकता, तो बचे कौन से हो गए, विद्युत आवेश। तो कैसे हुए विद्युत आवेश, आइए ध्यान से समझिएगा। आप पढ़े होंगे विद्युत आवेश Q = I×T। अब Q क्या है, अब I का मात्रक आपने पढ़ा एम्पियर, और T का मात्रक क्या, सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। एक और मात्रक होता है इसका प्यारे बच्चों, इसका एक मात्रक और होता है, कूलम होता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक कूलम भी होता है और एक एम्पियर और सेकेंड भी होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका जो 4 नंबर का, 4th नंबर क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट,
एक चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? एक एम्पियर। धारा को I से व्यक्त करते हैं, I बराबर कितना दे दिया? एक एम्पियर। चलो आगे, इसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, तो आप इसको जरूर अभ्यास करेंगे। क्या पूछ रहा है? आई बराबर एक एम्पियर, तो इसमें प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब एक, और सेकेंड, सेकेंड का मतलब समय, यानी प्यारे बच्चों t बराबर क्या दे दिया गया? एक सेकंड। t बराबर क्या दे दिया गया? एक सेकंड, यानी प्रति सेकंड हो गए। आगे क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट? बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है प्यारे बच्चों। अब आपको n ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या वो बोल रहा है? बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सोचिए, आपको I दिया है, आपको T दिया है, आपको N ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप फार्मूला जानते हो, N बराबर होता है Q इंटू E, Q इंटू E, और ये Q बराबर आप जानते हो I इंटू T होता है। Q के स्थान पे आप I इंटू का रख दोगे, T इंटू क्या? E। अब देखिए, I, I का मान कितना है? एक है प्यारे बच्चों, और T का मान भी कितना है? एक है। आगे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? एक मिनट, जरा सा आप लोग यहाँ से फार्मूला उल्टा हो गया है प्यारे बच्चों, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। क्या कर रहा है? N ज्ञात करना, तो आपने पढ़ा है Q बराबर N इंटू E, N आपको ज्ञात करना, E इधर आ जाएगा, E इधर आएगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, तो Q बटे क्या आ जाएगा? E बराबर N। ठीक, अब Q का मान आपको नहीं पता है, पर आप Q यहाँ से निकाल सकते हो, Q बराबर होता है I इंटू T। अब I का मान कितना है? एक है, और T का भी मान कितना है? एक है, तो प्यारे बच्चों Q बराबर भी आपका एक कूलम आएगा, तो Q के स्थान पे हम एक रख देंगे। और E, E का मान हम जानते हैं, अभी जस्ट इससे पहले वाले ऑप्शन में पढ़ा था, E का मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ बराबर यानी। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को काटोगे तो ऊपर 10 लगा दोगे, यानी 10/16, और ये 19 जो है, पावर 19 जब ऊपर जाएगा, तो ये जब हर में है, अंश में जाएगा, तो पावर प्लस 19 हो जाएगा, और ये इसको भाग दोगे तो प्यारे बच्चों 0.0 कितना आ जाएगा? इसे भाग देने पे 0.625 × 10⁻¹⁹। ये 0.1 अंक इधर लेके आ जाओगे, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁹। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए प्यारे बच्चों, 6.25 × 10⁻¹⁹। तो गाइज, थोड़ा सा ये दोनों ऑप्शन मिस्टेक हुए हैं, एक प्लस होने चाहिए थे, तो ये आपके जो हो जाएंगे, ये आप ऑप्शन इस पर लगा दोगे प्यारे बच्चों। तो आप एक बार इसको पुनः अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चन कई बार पुटअप किए गए हैं प्यारे बच्चों। अब आगे आइएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया प्रतिरोध क्या होता है, तब क्या बताओगे डियर स्टूडेंट? प्रतिरोध क्या होता है? आइए प्रतिरोध को समझते हैं। ये आप ले लीजिएगा कोई चालक तार, कोई ले लेंगे तार, तो प्यारे बच्चों इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? आर से व्यक्त करते हैं। अब ये आर का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा, V बराबर I इंटू R। ये R क्या है? प्रतिरोध है। I को हम लोग इधर कर देंगे, तो V अपान I बराबर क्या आ गया? R आ गया। अब V, V क्या है? विभव है, तो विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा प्यारे बच्चों। और I का मात्रक एम्पियर होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, या इसी को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। तो आप मिलाइए, कौन सा ऑप्शन आप में मिल रहा है? वोल्ट प्रति एम्पियर क्या कहीं दिया है?
नहीं दिया है प्यारे बच्चों, पर ओम दिया है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ओम हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो प्यारे बच्चों ये आपको परिपथ दिखाया गया है, यहाँ एक ओम है, यहाँ भी एक ओम है, और ये क्या है 0.5 ओम है। तो प्यारे बच्चों आइए इसको भी देखते हैं, कह रहा है कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है ए और बी के बीच। तो सबसे पहले आप देखिए, ये मान लीजिएगा ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या मान लेंगे R3 मान लेंगे प्यारे बच्चों। आप देखिए ये R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, किस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। अब कहोगे कैसे आपने पहचाना, प्यारे बच्चों थ्योरी के दौरान जरूर पढ़ाया गया होगा आपको कि वो सभी प्रतिरोध जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरा एक बिंदु से दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े रहते हैं, ऐसे जब प्रतिरोध का एक सिरा ठीक प्रतिरोध के एक सिरे ये दोनों सिरे अगर इनके दोनों सिरे आप एक बिंदु पे जोड़ दिए और इनके दोनों सिरे एक बिंदु पे जोड़ दिए तो ये कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो आप देखिए ये दोनों ये हैं प्यारे बच्चों। अब एक मिनट के लिए सोचिए, ये एक है ये भी एक है, तो लिखेंगे यहाँ R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम का संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 तो R1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, आप देखिएगा एक है, ये क्या है एक है, और ये भी एक है, एक हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा, एक एक कितने हो गए 2/1 आ गए प्यारे बच्चों। तो 1/R आया, तो 1/R बराबर 2/1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2R आ गए बराबर 1, R बराबर 1/2। तो प्यारे बच्चों R बराबर 1/2 आ गए, यहाँ ध्यान समझिएगा R बराबर कितना आ गया 1/2, आप 2 से 1 में भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों R बराबर 0.5 ओम आया। अभी आप भूल रहे होंगे वो R का मान आया है, साथ साथ में R3 भी अभी है, ये तो आपने केवल इन दोनों को जोड़ा है, अब इनको जोड़ोगे तो 0.5 और 0.5 जोड़ दोगे, क्यों लिखेंगे, चूंकि R3 व R, ये R और ये R3 दोनों किस क्रम में जुड़े हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में है, कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगी, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दोगे R + R3, R कितना है 0.5, R3 कितना है प्यारे बच्चों 0.5, जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी जो आपका आंसर आया है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर आया है 1 ओम के। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो डियर स्टूडेंट, आपको वहाँ ये लगा के नहीं दिखाना, ये आपको रफली करना, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आपको केवल टिक लगाने हैं वहाँ डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग आगे की सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए। प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से बता देना चाहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, और ये दोनों सवाल एक ही फार्मूले में एकदम सेम टू डिट्टो वाले फार्मूले लगेंगे। क्या फार्मूला, पहले से ही लिख दे रहे हैं फार्मूला क्या है, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन में का तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, ऐसे आगे बढ़ा सकते हो प्यारे बच्चों, तो वो फार्मूला होता है। अब देखिएगा आगे, अब सवाल को हम पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक, यानी 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। आइए 4 प्रतिरोध को हम आपको जोड़ के दिखाते हैं, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, ये चारों ओम जो चारों प्रतिरोधक हैं वो कितने ओम के बराबर हैं, 4 ओम के, यानी ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, और ये चारों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आपने पढ़ा 1/R बराबर कितना है,
एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री प्लस एक बटे आर फोर। अब आइए एक बटे आर वन का मान कितना है प्यारे बच्चों, चार है, आर टू का मान चार, आर थ्री का मान चार, आर फोर का मान चार, तो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे एक दो एक तीन एक चार, तो चार बटे चार कट गए प्यारे बच्चों, एक आ गए, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, एक ओम के बराबर आ गया। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। फिर आइए इसी प्रकार क्या कर रहा है अगले सवाल को देखिएगा, इस बार चार ओम प्रतिरोध वाले जो हैं वो उस बार कितने जोड़े गए थे, चार ही थे, चार ही जोड़े गए थे, इस बार कितने जोड़े गए, यन चालक तारों को जोड़ा गया है, यानी यन बार जोड़ा गया है। यही प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन है, केवल इस बार क्या कर दिया गया है प्लस इसे डॉट डॉट कितना कर दिया गया, एन बार जोड़ दिया गया, कितनी बार जोड़ दिया गया है, एन बार जोड़ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों फिर से वही करेंगे, अब आप एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार, फिर एक बटे चार प्लस डॉट डॉट कितनी बार, एन बराबर, हर बराबर है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ चार बार जोड़े थे तो चार बटे चार आए थे, पांच बार जोड़ते तो पांच बटे चार आता, छह बार जोड़ते छह बटे चार आता, कितनी बार जोड़ रहे हो प्यारे बच्चे, एन बार, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, एन बटे चार, एक बटे आर क्रॉस मल्टीप्लाई एन आर बराबर चार एक के चार, आर का मान चाहिए प्यारे बच्चों, आर बराबर आ गए चार बटे एन। तो इस प्रकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी समाप्त हो जाते हैं, कितना आया है चार बटे एन, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों चार बटे एन यहाँ पर है, ये आप ऑप्शन लगा दोगे। अगला आइएगा, उम्मीद करते होंगे कि डियर स्टूडेंट ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्या है, विद्युत ऊर्जा का इकाई है, विद्युत ऊर्जा का इकाई है, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो सकता है, तो आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, चलिए तो प्यारे बच्चों आप विद्युत ऊर्जा सोचो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कहां से निकाला जाए, ठीक, तो प्यारे बच्चों चाहे आपको मात्रक पूछे, चाहे इकाई पूछे, चाहे आपसे कुछ भी, तो आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका मात्रक क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड होता है, क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड, यानी सोचो वाट क्या होता है, शक्ति, पावर क्या होता है, पावर, वाट क्या होता है, पावर होता है, इंटू सेकेंड यानी ये, तो यानी जो विद्युत ऊर्जा होने वाली है वो पी इंटू टी, यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, व्यय होने की दर क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है, वाट सेकेंड होता है, यानी शक्ति और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। प्यारे बच्चों अब देखिएगा, ये एकदम ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेके जाते हैं प्यारे बच्चों, 5 स्टार आप इसको देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो ये एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, तो एक अश्वशक्ति प्यारे बच्चों किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। ये इस प्रकार आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो जाते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग 10 क्वेश्चन और अभ्यास कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो चलिए आपको वो भी 10 क्वेश्चन अभ्यास करा दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन लगाया गया है, एक विद्युत बल्ब पर 20 वोल्ट एवं 30 वाट, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, 20 वोल्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, V बराबर 20 वोल्ट दिया गया है, आगे 30 वाट लिखा हो, बल्ब खरीदने गए उस पे 20 वोल्ट और 30 वाट, वाट का मतलब होता है पी शक्ति, 30 वाट लिखा गया या 30 W लिख दीजिएगा, ठीक 30 वाट लिखा गया हो, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान I बराबर क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि एक ऐसा फार्मूला पढ़े थे
जो पावर होता है वो क्या होता है, विभव और धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और आई आपको ये ज्ञात करना है तो V को इधर कर देंगे तो P अपान V बराबर क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। अब P का मान कितना है प्यारे बच्चों, 20 है, और आई का मान कितना है, सॉरी P का मान आपका 30 है, देख सकते हैं P का मान कितना है 30 है, और V का मान कितना है 20 है बराबर आई। जीरो से जीरो कैंसिल और 3/2 बचा है बराबर आई, भाग दोगे तो 1.5 एम्पियर, यानी आई का मान कितना आ गया 1.5 एम्पियर। तो आपके पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों जो कि 1.5 एम्पियर हो, तो शायद मिस्टेक से ये जो 2.5 एम्पियर है वो 1.5 एम्पियर होना चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कह रहा है एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर, कोई विद्युत बल्ब है जो कि 200 वोल्ट के स्रोत से क्या हो रहा है, जलाया जा रहा है, 200 वोल्ट के स्रोत से क्या हो रहा है, जलाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कितना है 200 वोल्ट, V बराबर 200 वोल्ट प्यारे बच्चों। आगे क्या कह रहा है, चलाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर, तो विद्युत बल्ब की शक्ति होगी यानी पावर पूछा, और अभी आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था V इंटू आई, वी का मान कितना है प्यारे बच्चों 200 है, और I का मान कितना है 1, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 200 वाट आ गए। तो P का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 200 वाट, आप देखिए 200 वाट यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या कर रहा है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों समय का मात्रक सेकंड होता है, तो समय का मात्रक तो ये हो नहीं सकता, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है तो ये नहीं हो सकता, शक्ति, शक्ति का मात्रक अभी आपने देखा वाट होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। अगला क्या कर रहा है, हीटर के तार बने होते हैं, हीटर का जो तार होता है प्यारे बच्चों वो नाइक्रोम का बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ये आपके सही हो जाते हैं, हीटर के तार किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बनते हैं प्यारे बच्चों। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट वाला समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1 किलोवाट जूल में बदल रहे हैं इसको, 1 किलोवाट इंटू कितने हैं प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट घंटे हैं, हावर, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू हावर प्यारे बच्चों, 1 किलो को हम लोग वाट में चेंज करेंगे, 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 होता है, इंटू हावर, 1 हावर बराबर होता है 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जरा सा सोचिएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 1 2 3 4 5, 5 0 ना, ये आ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं, पर ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो आप इसको ये लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 इधर आए ना, तो 3.6, जो दशमलव यहाँ है वो यहाँ आ गए, कितने आए थे 6 अंक, तो 10 घाते कितने हो गए 6 वाट। तो प्यारे बच्चों ये आ गए 3.6 × 10^6 जूल, और ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लास्ट वाला सही है प्यारे बच्चों, 3.6 × 10^6। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड, आपने चेंज कर दिए प्यारे बच्चों। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है प्यारे बच्चे, वो तो आप कॉमन सी बात है, जो बिजली का जो बल्ब होता है वो पीतल का तो बन नहीं सकता, तांबा का बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो फिलामेंट होते हैं उनका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, वो उनकी जो गलनांक है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। आगे ध्यान से समझिएगा, धारा आई होती है, यानी इन तीनों चारों ऑप्शनों में से धारा आई का समीकरण कौन हो सकता है प्यारे बच्चों, आप धारा आई बराबर क्या जानते हैं, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी,
क्या क्यू अपान टी कहीं मिल रहे हैं प्यारे बच्चों? नहीं मिल रहे हैं, तो हम उनको चेंज करेंगे तो क्यू अपान टी जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर दो आपका सही है। कैसे पता किए सर कि ऑप्शन नंबर दो सही है? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? W को क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, T को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? आप वो समझिएगा, आप एक विद्युत विभव पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे आप जानते हैं, V बराबर W अपान Q होता है। आपको अगर W ज्ञात करना हुआ यहाँ से, तो W का मल्टीप्लाई करोगे W बराबर V इंटू क्यू आ जाएगा, यानी जहाँ ये W है वहाँ V इंटू क्यू रख देंगे। क्या रख देंगे प्यारे बच्चों? V इंटू क्यू। आगे समझिएगा, तो W के स्थान पे जब V इंटू क्यू रखेंगे, इंटू क्या आ जाएगा? V इंटू टी। आप सोचिए Q आपको मिल गया प्यारे बच्चों, Q आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ से किसको किसको हटाना है? V को हटाना है, दोनों V को हटाना है प्यारे बच्चों। तो दोनों V को हटाएंगे, तो दोनों V को कैसे हटाओगे प्यारे बच्चों? डियर स्टूडेंट, आप V बराबर आप क्या जानते हैं? I इंटू आर होता है। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। या तो आप सीधा डायरेक्ट रिलेशन निकाल लीजिएगा, हल करोगे तो जो धारा I होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? W इंटू V इंटू टी के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, इनको आप हल करोगे तो हल क्या, एक समीकरण हमने बता के रखा है, या तो अभी आगे वाले लेक्चर में एक समीकरण बताया जाएगा, तो उस समीकरण को आप देखोगे तो जरूर इसको जो है आसानी से हल कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन का जवाब है वो क्या हो जाता है, धारा I जो होती है वो W इंटू V इंटू T के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, किसके तुल्य हो सकता है? तो 25 लिखा है प्यारे बच्चों, कितना लिखा है? 25 लिख लो। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट। अब सोचिए, गुणा कीजिए प्यारे बच्चों, दसमलव काटे बटे 10 लगा दिए, 5 × 2 = 25, कट गए 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, कितना बचा? 8 × 5 × 8 × 10⁻⁹, 5 × 8 = 40 × 10⁻⁹। तो चाहो प्यारे बच्चों देख लीजिए क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आप एक काम और कीजिए, इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 10, 40 को 4 × 10 लिख दिए, 10⁻⁹, ये एक 19 में से एक घटा दिए, कितना आ गया? 4 × 10⁻⁸। अब ये ऑप्शन जरूर मिल रहा होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इस ऑप्शन को लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे चलिएगा, आगे क्या करा? सामर्थ P, विभवांतर V और धारा I में संबंध क्या होता है? इसे तो आपने अभी पढ़ा था प्यारे बच्चों, P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है डियर स्टूडेंट। आगे क्या करा? टंगस्टन का गलनांक होता है, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है डियर स्टूडेंट, वो आपको समझने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों टंगस्टन का जो गलनांक होता है, चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 2100 °C होता है। तो आप इस प्रकार से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, वो हमने आपको सॉल्व करा दिए प्यारे बच्चों। अगर कहीं भी क्लास के दौरान आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी समस्या आई होगी प्यारे बच्चों, या कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है प्यारे बच्चों, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप राय सलाह ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों, नमस्कार।